नमस्कार साथियों, मैं मुकेश भारत आप सभी का स्वागत करता हूं इस विराट ऑनलाइन कवि सम्मेलन में। राष्ट्रीय कवि संगम इकाई जैसलमेर के जिला अध्यक्ष विजय कुमार जी बलानी और समस्त कार्यकर्णी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती है कि आपने आज के दिवस अपनी रचनाएं भेजी। आज फादर्स डे है और साथ ही साथ गंगा दशहरा है और इस शुभ अवसर पर राष्ट्रीय कवि संगम इकाई जैसलमेर ने एक विराट कवि सम्मेलन का सपना सजोया और इस सपने को साकार करने में आप सभी ने अपना योगदान दिया। जी हाँ, हमें इतनी सारी रचनाएं प्राप्त हो गई कि हमें इस कवि सम्मेलन को 3 भागों में विभक्त करना पड़ा। और जी हाँ दोस्तों, यह जो आप भाग देख रहे हैं ये इसका पहला भाग है और इस पहले भाग को हमने जो नाम दिया है वो नाम दिया है भविष्य के हस्ताक्षर। जी हाँ, भविष्य के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में आज की युवा पीढ़ी आपके सामने अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेगी। पिता ही जीवन है, एक काव्यमाला के माध्यम से हम पिता को अपने भाव प्रकट करते हैं। पिता ही जीवन है और इस जीवन का फलसफा ही यही है कि हर व्यक्ति के जीवन में पिता एक अहम किरदार निभाता है। पिता है तो सब कुछ है, पिता नहीं तो कुछ भी नहीं। आज के इस भाग प्रथम के जो मुख्य अतिथि रहेंगे वो रहेगी सपना व्यास और इस भाग की अध्यक्षता करेंगे दुबई से हमारे आशीष व्यास। तो लीजिए, इस कवि सम्मेलन का आगाज करते हैं हम एक ननी सी परी के द्वारा। जी हां दोस्तों, उदयपुर से आध्या पुरोहित, जोरदार तालियों के साथ आप आध्या का स्वागत करें। नमस्कार, मेरा नाम आध्या पुरोहित है और आज मैं आप सभी के समक्ष पिता दिवस पे एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। चलिए सुनते हैं। पिता माँ की सुहाग की चूड़ियाँ हैं, पिता से ही तो बसती हमारी पूरी दुनिया है। पिता होते हैं तो दुनिया रंगीन होती है, वरना तो ये पूरी दुनिया बेरंग सी होती है। पिता की वाणी सख्त होती है, प्यार और विश्वास से वह भरी होती है। बच्चों की खुशी के लिए वह क्या नहीं करते, बच्चों की खुशी के लिए वह क्या नहीं करते। अपने आप को मिटाने में वह पीछे नहीं हटते। पिता ने तो कंधे पे बैठाकर पूरी दुनिया है दिखाई, तभी ये दुनिया मुझे बेहतरीन नजर आई। माँ यदि रंगीन पतंग है तो पिता पूरे जीवन की डोर। पिता है तो गुरूर आंखों में चलकता है, सिर पर जिसके पिता का हाथ होता है वह पूरी जिंदगी महकता है, वह पूरी जिंदगी महकता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आध्या आपने और बहुत ही सुंदर भाव थे कि हर पिता में बसती है सारी दुनिया। जी हाँ दोस्तों, पिता है तो जीवन है, पिता ही दुनिया है। बहुत सुंदर भावों की प्रस्तुति दी आध्या पुरोहित ने और अब मैं जिस कवित्री को बुलाने जा रहा हूँ वह प्रथम बार हमारे साथ जुड़ रही है, बहुत ही युवा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बुलाने जा रहा हूँ कनिष्का भूतड़ा को। आप अहमदाबाद से है, वैसे मूल तो आप जैसलमेर से ही हैं। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं अपनी प्यारी कनिष्का भूतड़ा का। जय श्री कृष्णा, मेरा नाम कनिष्का भूतड़ा है, मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। मैंने अपने पापा पर कविता लिखी है जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरे पापा, उनकी आशाएं कुछ और थी, मैंने किया कुछ और है। शायद नाखुश थे वो मेरे फैसलों से, पर कभी जताया नहीं। उन्हें उम्मीद ना थी मुझसे ज़्यादा, पर कभी बताया नहीं। मैंने जो किया उनके साथ है। उनकी सलाह मेरी भगवद गीता है, उनकी खुशी मेरी दुआ है, उनके दुख मेरी सजा है, मेरे पापा मेरी राह है। मैं शायद कुछ कर पाऊँ उनके लिए तो सिर्फ वही उसकी वजह है। मेरे लिए गर्व की बात तो सिर्फ यह है कि मैं उनके नाम से जुड़ी हूँ।
मेरे हर दुख की खुशी की पूड़ी बना लाए हैं वो। देर रात को भूख लगी तो हलवा पूड़ी तक का जुगाड़ कर आए हैं वो। उनकी उम्मीदें मेरा हौसला है, उनकी उम्मीदें मेरा हौसला है, लेकिन उनका सर गर्व से ऊंचा करना मेरा फैसला है। उनके नक्शे कदमों पर चलना मेरी कोशिश है, और करते हुए वो सब कुछ है जिससे पूरी होती मेरी हर ख्वाहिश है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मेरे पापा मेरी राह है, मेरे पापा मेरी राह है, और शायद मैं कुछ कर पाई उनके लिए तो सिर्फ वही उसकी वजह है। धन्यवाद। मेरे पापा मेरी राह है, बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ वर्णन किया पिता के वजूद का कनिष्का तुमने, और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह से अच्छे अच्छे काव्य रचें। वैसे मैं आपको बता दूं, कनिष्का अधिकतर जो है वो अंग्रेजी भाषा में अपनी कविताएं रचती है, और ये जो कविता इन्होंने अपने पिता को समर्पित की, और इनके पिता मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं तो कहूँ हम दोनों भाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्का तुम्हारा। और अब मैं जैसलमेर की ही बेटी शिवानी व्यास को बुलाना चाह रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप उसका जो स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ करें। तो स्वागत करते हैं हम शिवानी व्यास का। नमस्ते, जैसलमेर दर्शन यूट्यूब चैनल, मैं शिवानी व्यास, डॉटर ऑफ आजाद व्यास। आज राष्ट्रीय कवि संगम में मेरी कविता या मेरी रचना का शीर्षक है पापा। तो एक पिता जो जीवन भर हमारी जिंदगी में किरदार निभाता है, उसे कोई और शख्स नहीं निभा सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरी कविता जो है वो ये है, ये घर के हैं वो शख्स जिनके हैं हम अक्ष, दिन भर ये रहते हैं व्यस्त ताकि हम सब रह पाए मस्त, चिंता चिंतन में लगे रहते हैं, सबके सामने सुलझे रहते हैं, बातों बातों में हमें उलझाकर हमको भी सुलझा देते हैं, दिखते हैं ये सबको गरम लेकिन दिल के बड़े नरम, सत्य प्रेम का पाठ पढ़ाकर हमें बतलाए कर्म धर्म, इनकी व्यथा न जाती व्यर्थ सदा बनाती हमें समर्थ, होते हैं ये घर के आदर्श है ये हमारे पारदर्श। मेरी रचना छोटी थी लेकिन आपको पसंद आई हो तो धन्यवाद। घर में वो शख्स है हम जिसके अक्ष हैं, पिता घर में वो शख्स है हम जिसके अक्ष हैं। बहुत ही सुंदर रचना प्रस्तुत की शिवानी आपने, और आप हमें इसी तरह से अपनी रचनाएं भेजते रहें, और हम चाहते हैं कि आप भविष्य के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जानी जाए, और हमारे जैसलमेर का नाम आप रोशन करें। और अगली कड़ी में अब मैं बुलाने जा रहा हूँ स्वाति पुरोहित। जी हाँ, जोधपुर से स्वाति पुरोहित। वैसे तो यह जैसलमेर के ही वासी कह सकते हैं, मैं तो कहूँ मूल निवासी जैसलमेर के हैं, वैसे तो मूलतः ये जोधपुर से हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई जो जितनी भी हुई वो जैसलमेर हुई, और फिर बाद में इनकी जो शादी हो गई वो जोधपुर हो गई। स्वाति पुरोहित बहुत ही उम्दा लिखती है, और ये भविष्य की सशक्त हस्ताक्षर है, और इस सशक्त हस्ताक्षर के स्वागत में आपकी तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो स्वागत करते हैं स्वाति पुरोहित का। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं स्वाति पुरोहित जोधपुर राजस्थान से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक कविता लेकर। सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूँगी राष्ट्रीय कवि संगम जैसलमेर का, जिन्होंने इस काव्य श्रृंखला में मुझे भी जोड़ा। मेरे कविता का शीर्षक है मेरे पिताजी मेरी पहचान। ये कविता मैं समर्पित करना चाहूँगी श्री गुरुदत्त जी हर्ष को। हैप्पी फादर्स डे पापा। मैंने देखा है इनका संघर्ष, मैंने देखा है इनका संघर्ष, कम न किया फिर भी आँखों से हर्ष, प्रेम लुटाना मूल मंत्र है जिनका, प्रेम लुटाना मूल मंत्र है जिनका, मैंने देखा है इन्हें जोड़ते एक एक दिन का। पिता वो नेक दिल इंसान है जिनसे बढ़कर न दूसरा भगवान है, पिता है तो धूप में भी छाँव है, पिता है तो धूप में भी छाँव है, पिता नहीं तो बंजर हर गाँव है। पिता के कंधे से उड़ाने उड़ी है मैंने, पिता के कंधे से उड़ाने उड़ी है मैंने, पिता के कदमों तक ही मेरा जहान है, इनकी डांट से रोशन बना मेरा हर दिन मूल्यवान है। पिता मेरी उम्मीदों भरी शाम है,
पिता मेरी उम्मीदों भरी शाम है, पिता से ही मेरी पहचान मेरा नाम है, पिता मेरी उमंगों भरी आस है, वो साथ है तो लग रहा सब कुछ मेरे पास है। सींचा है भावों से परिवार को जिसने, सींचा है भावों से परिवार को जिसने, खुद सख्त चट्टान होकर देखा है जीते एक वीर महानायक को, देखा है जीते एक वीर महानायक को, पुरुषार्थ का दूसरा नाम होकर। मेरे पिता मेरी शान है, प्रेम का दूसरा नाम है, वो रहे साथ हमेशा, दीर्घायु और स्वस्थ हूँ, यही इस दिल की आशाओं भरी चाह है। धन्यवाद। बहुत खूब कहा स्वाति तुमने, पिता वह नेक दिल इंसान है जिससे बढ़कर न दूसरा भगवान है। बिल्कुल, भगवान के रूप में अगर हम पृथ्वी पर किसी को देखते हैं तो माता पिता को देखते हैं, और हम पूजते हैं भगवान को, लेकिन अगर हम माता पिता को नहीं पूजें तो हमारा पूजना व्यर्थ है। पिता ही हमारी पहचान है, पिता है तो सब कुछ है, पिता है तो सब कुछ है। पहली बार आपने हमारे साथ काव्य पाठ किया स्वाति, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगली कड़ी के रूप में मैं जैसे बुलाने जा रहा हूँ, जैसलमेर की बेटी है, वर्तमान में अहमदाबाद रहती है और हमारे साथ पहली बार जुड़ रही है। आप एक अच्छी वक्ता हैं, अच्छी नेता रही हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूँ जैसलमेर की लाडली बेटी माया सुधा का। मैं माया बुद्रा अहमदाबाद से अपने पापा के लिए कुछ कहना चाहूंगी। हर पिता के भीतर एक माँ होती है जो दिखाई तो नहीं देती पर महसूस होती है। फिक्र उनकी हर बातों में, दूसरे में छिपा होता है प्यार जो दिखाई तो नहीं देता पर महसूस होता है। खामोशी के पीछे की जिम्मेदारियाँ, मुस्कुराहट के पीछे की थकान जो दिखाई तो नहीं देता पर महसूस होता है। बेटी को विदा करने पर उनका नाम जो छिप जाता है वो दिखाई तो नहीं देता पर महसूस होता है। रूठती है इसलिए शायद वो हर पुरुष में उनका निशान भले ही दिखाई न दे पर महसूस तो कर सके। धन्यवाद। हर पिता के भीतर एक माँ होती है जो दिखाई तो नहीं देती पर महसूस होती है। पिता के जज्बातों को जिस तरह से आपने इन शब्दों में पुराया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माया शुदा का। मेरी बहन है और मुझे खुशी होती है कि जब जैसलमेर की निवासी वहाँ इतनी दूर से हमें अपना स्नेह भेजते, अपना प्यार भेजते हैं और उस प्यार को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं वो अपने आप में सुंदर है। आप भी भविष्य के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। अब मैं जिस कवित्री को बुलाने जा रहा हूं वह है डॉक्टर कुमुद पुरोहित। जी हां, ननिली जी पुरोहित, मदन जी क्षितिज के घर पैदा हुई इस लाडली बिटिया को मैं बुलाना चाह रहा हूं। वर्तमान में आप उदयपुर में निवास करती हैं और हमारे साथ विगत कुछ कवि सम्मेलनों के साथ आप जुड़ी है और आपका जो भावों को प्रदर्शित करने का जो नज़रिया है वो बहुत ही सुंदर और रचनात्मक है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमुद पुरोहित का। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमुद पुरोहित उदयपुर से आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रारब्ध से हारा एक पिता नहीं ये जानता कि करते हुए बेटी को विदा करना पड़ता है लोकाचार। उसे ये बोध है दिक्कत कि कल हो जाएगा जीवन भर की कमाई और नाजों से पाली पोसी जाई दोनों संचित निधियों से रिक्त। वह नहीं जानता कि जब बारात खड़ी हो द्वार तो वधु के पिता को आगे बढ़ पहनाना होता है प्रत्येक को हार। उसकी अश्रुपूर्ण आंखें अपलक जी भर देख लेना चाहती हैं परिणीता का रूप धरे उस बेटी को जो हर शाम मुस्कुराकर आगे बढ़कर थाम लेती है पिता के कंधे का बोझ और दिन भर की थकावट जो पिता होने के सख्त और कठोर आवरण के पीछे छिपे द्रवित हृदय के दर्द को लेती है भाव। वो यह नहीं जानना चाहता कि बराती खाने से कुछ है या नहीं,
वह गोद में बैठा फिर खिलाना चाहता है बेटी को अपने हाथों से। हाथ सीता का राम को दिया, राजा जनक देंगे और क्या का भाव रखने वाला पिता नहीं जानना चाहता कि देना पड़ता है दहेज बरातियों तथा घरातियों की सीख। दिल के टुकड़े को कल से नहीं रोज देख सकेगा, बात भी करनी हो तो अजनबियों की आज्ञा लेनी होगी। जानता है सब किंतु मानना नहीं चाहता। हाँ, प्रारब्ध से हारा है पिता, उस दिन सब हार जाता है जब कर देता है अपनी बेटी का कर्यादा। धन्यवाद। एक पिता और बेटी का जो संबंध होता है, जो स्नेह होता है, उसको जिस खूबसूरती के साथ आपने बयां किया वो काबिले तारीफ है। और यह जो भाव हैं ये एक बेटी ही लिख सकती है। एक कन्यादान के समय पिता के क्या मनोभाव हैं उनको जो आपने इस कविता में परोया है उसके लिए आपको सलाम करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ जोधपुर से हमारे अपने छोटे भ्राता आनंद हर्ष को। आनंद जी की भी पढ़ाई लिखाई जैसलमेर में ही हुई है, इसी मैं उसे जैसलमेर का ही मानता हूँ। वर्तमान में आप जोधपुर में कार्यरत हैं। आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है। जी हाँ, हर्ष को हर्ष के लिए हर्ष हो रहा है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम अपने आनंद हर्ष का। नमस्कार, मैं आनंद हर्ष जोधपुर से इस डिजिटल कवि सम्मेलन में जुड़ा हूँ। पितृत्व दिवस एवं गंगा दशहरा के पावन अवसर पर राष्ट्रीय कवि संगम जैसलमेर का ये जो आयोजन है ये अपने आप में सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए अनेक अनेक साधुवाद देता हूँ और इस यज्ञ में शब्दों के साथ अपनी आहुति देने का प्रयास करूँगा। आप सभी को उम्मीद है कि मेरी कविता पसंद आएगी, जिसका शीर्षक है पिता के समान ना ही दूसरा जहान में। पिता के समान नहीं दूसरा जहान में, पिता के समान नहीं दूसरा जहान में। पिता ब्रह्म पिता विष्णु नित्य प्रति पूजा कीजे, पिता ब्रह्म पिता विष्णु नित्य प्रति पूजा कीजे। पिता के समान नहीं दूसरा जहान में, हृदय के भीतर अनंत की खोज का निदान है। हृदय के भीतर अनंत की खोज का निदान है। पिता के चरणों के नीचे है पूरा ब्रह्मांड प्यारे, पिता के चरणों के नीचे है पूरा ब्रह्मांड प्यारे। पिता ब्रह्म पिता विष्णु पिता नित्य प्रति पूजा कीजे, पिता के समान नहीं दूसरा जहान में, पिता के समान नहीं दूसरा जहान में। सर्दी गर्मी हो या कोई ऋतु चाहे आए कोई, सर्दी गर्मी हो या कोई ऋतु चाहे आए कोई, हरदम छत सर पे बच्चों के रहती है। हरदम छत सर पे बच्चों के रहती है। पिता ब्रह्म पिता विष्णु नित्य प्रति पूजा कीजे, पिता के समान नहीं दूसरा जहान में, पिता के समान नहीं दूसरा जहान में। जीवन में आने वाले कष्ट हो या काटे कोई, जीवन में आने वाले कष्ट हो या काटे कोई, पथ के प्रदर्शक हैं हर लेते कष्टों को यूं, पथ के प्रदर्शक हैं
कष्टों हर लेते कष्टों को यूं जैसे हूँ हनुमान कोई पिता ब्रह्मा पिता विष्णु नित्य प्रति पूजा कीजे पिता ब्रह्मा पिता विष्णु नित्य प्रति पूजा कीजे पिता के समान नहीं दूसरा जान में चुका सकते हैं जीवन में हर एक ऋण हो कोई चुका सकते हैं जीवन में हर एक ऋण हो कोई पितृ ऋण ऐसा ऋण है जो न कभी हो पूर्ण पितृ ऋण ऐसा ऋण है जो न कभी हो पूर्ण पिता ब्रह्म पिता विष्णु नित्य प्रति पूजा कीजिए पिता के समान नहीं दूसरा जहान में। धन्यवाद दोस्तों। पिता के समान ना ही कोई दूसरा जहां है। पिता को अपनी पूरी जिंदगी बताने वाले पूरा जहां बताने वाले आनंद को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद जो इतनी सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ इस कवि सम्मेलन की मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचारों को लेकर आ रही है आपके सामने जैसलमेर की लाडली सपना व्यास जो वर्तमान में उदयपुर में निवास करती है। बहुत ही उम्दा लिखती है भविष्य के सशक्त हस्ताक्षरों में इनका नाम दर्ज हो चुका है। आने वाला समय इन युवाओं का है तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम अपनी सपना व्यास का। जय श्री कृष्णा। मैं सपना व्यास आज पिता दिवस के उपलक्ष्य में रखी गई ऑनलाइन लाइव काव्य गोष्ठी जो कि जैसलमेर दर्शन यूट्यूब चैनल द्वारा आयोजित की गई है उसमें शरीक हुई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का और मुकेश भाव का कि पापा के लिए कुछ बोलने का मौका दिया मुझे। पापा हर बच्चे की जान होते हैं। कुछ चंद लाइनों में मैंने भी अपने मन की भावनाओं को उजागर किया है। कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। शीर्षक मेरे पापा। मैं तो हूँ परी मेरे पापा की हूँ पूरी परछाई सूरत से और सीरत से भी पूरी छवि पापा की पाई पूरी छवि पापा की पाई। घर के अग्रज है पापा मेरे सीधे सच्चे हैं बड़े सरल है तन से श्याम पर मन से धवल सब पे बरसाते प्रेम अविरल सब पे बरसाते प्रेम अविरल। पापा मेरे हैं दानवीर पाप परिवार में सबसे क्षमाशील दया त्याग तपस्या उनमें भरी हर बात होती है उनकी खरी हर बात होती है उनकी खरी। माना माँ का दर्जा ऊंचा पापा ने ही बचपन सींचा बच्चों की खुशी का खिलौना है पा निंदिया का नर्म बिछोना है पा निंदिया का नर्म बिछोना है पा। बाहर से दिखाते अनुशासन संस्कारों के पापा आसन बिन माँ होती सूनी रसोई उस रसोई का पापा राशन उस रसोई के पापा राशन। सबके समक्ष बन जाते सख्त कश्मीरी वादी के दरख्त सबके समक्ष बन जाते सख्त कश्मीरी वादी के जो दरख्त मन से है मोम के जैसे नर्म अनुभव के सिखाते अनग मर्म अनुभव के सिखाते अनग मर्म। पापा जीवन जीने की आस परिवार की ताकत और विश्वास बच्चों की पूर्ण करे मन्नत जग को बनाए पापा जन्नत जग को बनाए पापा जन्नत। पापा पूरा करते सपना हकीकत में बदलते कल्पना हर सुख वो त्याग देते अपना पापा जीवित रंगों की अल्पना पा जीवित रंगों की अल्पना। माँ जितने ही पापा की मूर्ति माँ है दिल पापा दिल की गति बच्चों की संभाले सुधारे मति पापा के नाम से मिले ख्याति पापा के नाम से मिले ख्याति। बच्चों की हर फरमाइश को पापा बिन बोले ही समझ जाते घर से जाते हैं खाली हाथ खुशियों का पिटारा संग लाते खुशियों का पिटारा संग लाते। पापा अभिमान है स्वाभिमान बेटे की खुशी बेटी का मान बच्चों की माँ होती धरती पर पापा पूरा आसमान पर पापा पूरा आसमान।
पापा कंधे पे सुलाते हैं, पापा लोरी भी सुनाते हैं, कभी घोड़ा भी बन जाते हैं, कभी झूला बन के झुलाते हैं, कभी झूला बन के झुलाते हैं। पापा हंसी खुशी के है मेले, फिर भी खुद तन्हाए अकेले, मेरे प्रथम कदम के है साथी, पापा बिन खुशियां हैं आधी, बिन पापा खुशियां हैं आधी। जीवन की होती कठिन डगर, हम राही बनते पापा, मगर अवरोही आरोही सिखलाते, अवरोही आरोही समझाते, संग सहनशीलता सिखलाते, संग सहनशीलता सिखलाते। हर बालक की पिता बनते ढाल, पापा का नाम करता कमाल, पापा ललाट के है चंदन, हर पिता को सपना करती वंदन, हर पिता को मैं करती वंदन। जब भी मन में हो असमंजस, पापा ही सिखाते सामंजस, हर मुश्किल पापा सुलझाते, रह मौन मधुर बस मुस्काते, रह मौन मधुर बस मुस्काते। पिता दिवस का है शुभ दिन ये आज, परिवार के मुखिया सिर के ताज, हर बच्चे के पापा सांता क्लॉज, बच्चों को अपने बच्चों को पापा पर है नाज, बच्चे को पापा पर है नाज। पापा है कीमती को ही नूर, पापा से घर है जगमगाया, पापा परिवार के सरमाया, जगदीश का ज्यों जग परसाया, जगदीश का ज्यों जग परसाया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं तो हूँ परी मेरे पापा की, पापा की पूरी परछाई। बहुत ही उम्दा गेय रचना आपने प्रस्तुत की सपना जी। आपका जो लेखन है दिनों दिन बहुत ही उम्दा हो रहा है, चमत्कारी हो रहा है, और आशा करता हूँ कि आप इसी तरह काव्य रचते रहें और जैसलमेर का नाम रोशन करते रहें। और अब मैं इस भाग के अध्यक्ष, जी हाँ दोस्तों, इस भाग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आशीष व्यास, सात समंदर पार आशीष व्यास दुबे से अपनी रचना हमें सुनाने जा रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भविष्य के इस हस्ताक्षर के आशीष व्यास का। राष्ट्रीय कवि संगम जैसलमेर और सभी कवि बंधुओं को आशीष सुशील व्यास का नमस्कार। पितृ दिवस पर आयोजित इस ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में मैं एक छोटी सी प्रस्तुति लेकर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। इसमें एक बालक के मन के भाव दर्शाए गए हैं, जो वो अपने पिता को देखता है त्याग और परेशानियों में जूझते हुए। उन्हीं भावों को शब्दों के रूप में पिरोकर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। लिखा है कि पिता वो जो जीना सिखाए, इस कूड़ संसार से लड़ना सिखाए, पिता वो जो जीना सिखाए, इस कूड़ संसार से लड़ना सिखाए, उनका वो त्याग तपन और दर्द से लड़ना, फिर भी चेहरे पर एक सिकन न लाना। उनका वो त्याग तपन और दर्द से लड़ना, फिर भी चेहरे पर एक सिकन न लाना। मेरे लिए जगह है वो सारी सारी रैन, मेरे लिए जगह है वो सारी सारी रैन, दिन में दफ्तर रात को मैं नहीं था उनको चैन। मेरे लिए जगह है वो सारी सारी रैन, दिन में दफ्तर रात को मैं नहीं था उनको चैन। कभी खिलौनों के लिए मैं रोया भी होगा, कभी परेशानियों में और परेशान किया भी होगा, कभी खिलौनों के लिए मैं रोया भी होगा, कभी परेशानियों में और परेशान किया भी होगा। वो दिखते हैं सख्त पर है कोमल अंदर से, वो दिखते हैं सख्त है कोमल अंदर से, वो प्यार करते हैं मुझे दिल के हर एक कोने से। वो दिखते हैं सख्त पर है कोमल अंदर से, वो प्यार करते हैं मुझे दिल के हर एक कोने से। मैं भी सहमा सा रहता था उनकी आंखों से, मैं भी सहमा सा रहता था उनकी आंखों से, वो डर नहीं सम्मान था जो मैं भी करता था दिल से। अंतिम पंक्तियों में लिखा है कि न रखूंगा दिल में कह दूंगा आज उनसे, न रखूंगा दिल में कह दूंगा आज उनसे, आप हो मेरे गुरु और हो मेरा गुरूर, ये बात निकली है जहन से। न रखूंगा दिल में कह दूंगा आज उनसे, आप हो मेरे गुरु और हो मेरा गुरूर, ये बात निकली है जहन से। अगर हुई हो गलती तो माफ कर देना, अगर हुई हो गलती तो माफ कर देना, बस अपनी परछाई समझ मेरा हर जुर्म टाल देना, बस अपनी परछाई समझ मेरा हर जुर्म टाल देना। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सभी को पितृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। पिता वह जो जीना सिखाए, इस गूढ़ संसार से लड़ना सिखाए, बहुत ही सुंदर भाव प्रस्तुत किए आशीष आपने। अभी भी आप स्वयं भी पिता बने हैं, तो पिता का जो महत्व है जिंदगी में वो आप
जानते हैं। हालांकि आप सात समंदर पार हैं, पर ऐसा लगता ही नहीं कि आप सात समंदर पार हैं। आप हमारे दिलों में निवास करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। दोस्तों, इस कवि सम्मेलन के इस भाग को विस्तृत रूप से इतना सफल बनाने के लिए मैं इन सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमारा भाग दो देख सकते हैं। भाग दो जो हमारा है वह शाम को 4 बजे प्रसारित किया जाएगा, जिसमें मातृशक्ति सशक्त हस्ताक्षर अपने भाव प्रस्तुत करेगी। मैं चाहूँगा कि आप अपना भाग दो भी जरूर देखिएगा। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे जिलाध्यक्ष विजय कुमार जी बलानी को, वे धन्यवाद स्वरूप आपको दो शब्द कहें। तो स्वागत करते हैं हम विजय जी बलानी का। वंदे मातरम। जैसा कि ज्येष्ठ मास और गंगा दशहरा का पर्व, साथ ही साथ पिता को समर्पित एक विशेष दिवस, राष्ट्रीय कवि संगम की जैसलमेर इकाई ने आप सभी से आह्वान किया कि आप अपनी प्रासंगिक रचना के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करावें। और ऐसे में पिता ही जीवन है काव्यमाला के तहत जो आप सभी भविष्य के जो सशक्त हस्ताक्षर हैं, आप सभी ने जो अपनी सहभागिता दर्शाई है, उसके लिए मैं जिलाध्यक्ष विजय कुमार बलानी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि चूँकि आप सभी आने वाला कल हो, तो एक सशक्त भारत का आप निर्माण करेंगे। और वैसे भी कहा जाता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो माता पिता और अपने सभी परिजनों के लिए हमारे मन में जो उच्च आदर्श और संस्कार होते हैं वो बने रहे। साथ ही एक जो काव्य की अविरत धारा बहती है उसके अंकुर आप में अभी से ही फूटने लगे हैं। तो मैं आप सभी के साथ एक बात साझा करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय कवि संगम की जो राष्ट्रीय इकाई, उसमें आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगदीश जी मित्तल साहब, महामंत्री जो हैं अशोक जी बत्रा साहब, सह महामंत्री आदरणीय भाई साहब महेश जी, और हमारे वीर रस के पुरोधा राष्ट्रीय कवि भीलवाड़ा के भाई योगेंद्र जी शर्मा, इन सभी के साथ अभी पिछले दिनों एक हमारी बैठक हुई। और ऑनलाइन उस वर्चुअल बैठक में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष परम आदरणीय भाई साहब जो कि विधायक हैं डॉक्टर जोगेश्वर जी गर्ग, वो भी उसमें पधारे थे। हमारे महामंत्री महोदय जो हैं आदरणीय किशोर जी पारिक भाई साहब, एक बात जो उसमें कई बातें हुई, उसमें जो एक मूल बात जो आप सभी नवांकुरों के लिए है वो मैं कहना चाहूँगा कि आगामी समय में भगवान श्री राम पर कविता पाठ होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस कविता पाठ में भाग लें और जिला स्तर से प्रांत और प्रांत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभाओं का जो एक कोशिश की जाएगी उन प्रतिभाओं को उस मंच तक ले जाने की, तो मैं चाहूँगा कि स्वर्ण नगरी जैसलमेर की तरफ से भी कुछ सशक्त हस्ताक्षर उसमें शामिल हों। पुनः पुनः आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।